नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को होली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। TV20 न्यूज आप सभी से अपील करता है कि आप केमिकल युक्त रंगों का प्रयोग न करें। अब चलते हैं खबरों की तरफ। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में मान क्षेत्राधिकारी लालगंज प्रभारी निरीक्षक देवगांव के कुशल नेतृत्व में पुलिस ने एक दर्जन ATM व स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर पुलिस ने अभियुक्त के पास से घटना में प्रयोग की गई स्कॉर्पियो व 11 ATM कार्ड जो भिन्न भिन्न बैंक व अलग अलग व्यक्तियों का बरामद किया है। आइए सुनवाते हैं आपको घटना के बारे में क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह। सर, ये ATM का मामला आया है, ATM क्लोनिंग करने वाले गैंग को आपने पकड़ा है, क्या है पूरा पकड़ा और किस तरह से इनका मोटिव होता है, किस तरह से काम ये करते थे? देखिए, ये पिछले कुछ दिनों से जो जनपद पुलिस है उसके द्वारा जो भोले भाले लोगों को ATM पर जाकर उनका ATM बदलकर ATM क्लोनिंग कर उनके पैसे निकालने की जो घटनाएं थी उनका अनावरण पिछले कुछ दिनों में लगातार किया है। पहले भी एक गैंग पकड़ा गया था, उस पर गैंग स्ट्राइक की कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की गई। कल फिर ये एक गैंग पकड़ा गया है जो कि करके निकला था और पुलिस द्वारा शिकायत में जो तत्काल कार्रवाई करके उसके एक मेंबर को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से एक स्कॉर्पियो जिससे वो चला करते थे, 11 ATM और कुछ और पैसे बरामद इनके पास से हुए हैं। इनके द्वारा दो और पूर्व की घटनाएँ कबूल की गई हैं जो थाना साइबर क्राइम जो और नया थाना है उसमें उसकी विवेचना चल रही थी। कल उसके इंस्पेक्टर साहब भी वहाँ गए थे और उन्होंने उनसे पूछताछ की है। इनके द्वारा और भी घटनाएं बताई गई हैं और अपने दो और साथियों के नाम बताए गए जो इसके साथ थे, जो भागने में सफल हो गए थे, उनके द्वारा उनका नाम भी बताया गया है और दबिश गई है, जल्दी वो भी गिरफ्तार किए जाए। इसमें कई गैंग की बात आ रही है तो क्या ये गैर जनपदी भी और गैर प्रांतीय भी वारदात करते थे? हाँ, इन्होंने बताया कि कुछ और जनपदों में इनके द्वारा वारदात की गई है। इनका CDR निकाला जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है कि जो घटनाएं इन्होंने बताई हैं उस समय इनका लोकेशन वहाँ पर था या नहीं था, वहाँ किस ATM के आसपास था, उससे वो घटनाएं कनेक्ट की जा रही हैं और इसमें जो विस्तृत जाँच है उसके उपरांत कुछ और घटनाओं का खुलासा होगा। सर।